वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल डीएक्स ना इसको मिल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्व टू वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स क्यूब नौ राइट एंड में हम टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे सो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिड बाई एक्स प्लस एक्स क्यूब ना अगर हम ऊपर से वाई कॉमन ले लें सो वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में से एक्स कॉमन ले लें सो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अगर एक्स कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिड बाई एक्स कॉमन ले तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ना यहाँ पे अगर हम देखें दें वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड एक्स एंड एक्स कैंसिल तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वस टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ना इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ना हमें पता है दैट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्व टू क्यू अगर इससे हम कंपेयर करें देन पी इक्वस टू माइनस वन बाई एक्स एंड क्यू इक्वस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ओके ये हो गया पी एंड क्यू की वैल्यू एंड इसका सोल्यूशन क्या होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी वे सीज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इस इज इक्व टू की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स ना पी कैमेरा माइनस वन बाई एक्स सो यह क्या X, so हो जाएगा ई e की पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स Now, हमें बताया दीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वन मॉड एक्सो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वी पावर माइनस बार ले, ले तो माइनस एल एन मॉड एक्स नौस एल एन बी की पावर एंड इज इक्वी पावर ए सो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एल एन मोड एक्स की पावर माइनस वन एंड इज इक्वस टू एक्स की पावर माइनस वन सो दिस इज इक्वस टू वन बाई एक्स सो यहाँ से मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वन बाई एक्स तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ

हमें x dx क्या मिल जाएगा वन बाई टू डी जेड ओके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे ओके okay. सो so, x dx की जगह सॉरी यहाँ पे dx होगा ओके okay. यहाँ पे भी dx होगा सो so, क्या हो जाएगा x dx की प्लेस पे वन बाई टू डी जेड दिस इज टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू डी जेड नाउ इन प्लेस ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर हम क्या पुट कर देंगे z सो डिवाइडेड बाई जेड

नौ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है दैट वाई ऑफ वाई ऑफ वन इक्व टू जीरो दैट मींस एट एक्स इक्व टू वन वाई इक्व टू जीरो एक्स इक्व टू वन वाई इक्व टू जीरो इसको हम पुट कर देंगे सो जीरो बाय वन इक्व टू वन बाय टू ln ऑफ मॉड वन प्लस वन स्क्वायर प्लस सी ये क्या हो जाएगा टू प्लस से c क्या मिल जाएगा अब क्या करेंगे हम इस सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ओके okay? सो so क्या बन जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वस टू वन बाई टू एल एन ऑफ मॉड वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू एल एन टू नाउ अगर हम क्वेश्चन देखें देन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वॉट इज द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टू देट मीन्स वी हैई बाई टू इक्व टू वन बाई टू ln of mod 1 plus 2 square minus 1 by 2 ln 2. Now from both sides we can cancel 1 by 2. So 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. So y equals to ln 5 minus ln 2. Here we again use the formula of ln a minus ln b. This is equals to ln a by b. So se mil y equals to ln 5 by 2. Okay. And agar option they option